हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं DTH टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से सेटअप बॉक्स का रिमोट कैसे बना सकते हैं। आपके पास कोई सा भी सेटअप बॉक्स हो, वे सारे सेटअप बॉक्स का रिमोट आप अपना मोबाइल बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एप्लीकेशन देने वाला हूं जो आपके हर सेटअप बॉक्स में लग जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे कमाल का वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे सेटअप बॉक्स है और बहुत सारे रिमोट है। लेकिन दोस्तों, आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आप ये सारे रिमोट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई बाहर की कंट्री का रिमोट है, कोई बाहर का कोई सेटअप बॉक्स है और इसका रिमोट नहीं मिल रहा है, तो भी आपको ये एप्लीकेशन डालने से हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत सॉफ्टवेयर डाल देते हैं और रिमोट वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इसमें से कोई भी रिमोट लगाएंगे तो एक रिमोट आपके बॉक्स में ज़रूर पेयर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, यहाँ पे हम इस वीडियो पे 1000 लाइक का एम करते हैं। मुझे पता है कि आप लाइक का एम पूरा कर देंगे। और दोस्तों, आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद मैं इसका पूरा इंटरफेस बताऊँगा, इसको कैसे यूज करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको डेमो के लिए कोई एक बॉक्स ले लूँगा और इसका आपको डेमो दे दूँगा कि यहाँ पे आप अपने मोबाइल से कोई भी रिमोट कंट्रोल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल में। तो दोस्तों, आप जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक एपीके मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल। तो दोस्तों, आप ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र में आएगा। तो इसमें लगभग 36 रिमोट दिए हुए हैं। यहाँ पे हर सेटअप बॉक्स के लिए रिमोट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट वाला रिमोट है वो MPG2 बॉक्स के लिए है। फिर यहाँ पे अलग अलग मॉडल के MPG2 बॉक्स के सारे रिमोट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला भी रिमोट है। यहाँ पे मेलबर्न का जो आता है अलग, वो रिमोट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसे पुराना कोई भी बॉक्स हो या कोई भी आप DTH का बॉक्स हो, ये सारे रिमोट मिल जाएंगे। साथ में MPG4 के भी सारे रिमोट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ओसिप करके बहुत ही पुराना 2003 में एक बॉक्स आता, इसका रिमोट भी इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है MPG4 का रिमोट और एक MPG4 का रिमोट। ऐसे बहुत सारे रिमोट यहाँ पे दिए, टोटल देखा जाए तो 36 रिमोट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास कोई सा भी बॉक्स हो, सारे बॉक्स में ये रिमोट लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमने डेमो के लिए यहाँ पे एक रिमोट मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक V-Zone का एक बॉक्स लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो, V-Zone 8785 GX6605S के बोर्ड में ये बॉक्स हमें मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका ओरिजिनल रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको रिमोट कैसे चेक करना है, तो रिमोट चेक करने के लिए आपको जो कलरिंग बटन होते हैं कलर वाले, इसमें जो लिखा है वो आपको नोटिस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ओरिजिनल रिमोट में जो रेड बटन, इसमें ऑडियो लिखा है। तो यहाँ पे आपको इतना ही देखना है कि रेड बटन पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे ऑडियो लिखा है, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, तो यहाँ पे कौन से रिमोट में रेड बटन पे ऑडियो लिखा है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और सेम लुक में आपको ये मिल जाएगा, सेम लुक बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वाला रिमोट। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दोनों रिमोट मुझे बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। तो यहाँ पे ये रिमोट है वो हमारे सेटअप बॉक्स में वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे हम आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा रिमोट बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे जो मोबाइल में रिमोट है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपके पास कोई भी सेटअप बॉक्स हो या कोई भी रिमोट हो, इसमें आ जाएगा। लगभग 36 रिमोट इसमें आ जाते हैं, तो आप अपना काम है वो मोबाइल से कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये रिमोट आपको दूसरे रिमोट में कॉपी करना, तो एक ऐसा रिमोट भी आपको मिल जाएगा Huawei का, इसका मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी डाला हुआ है, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। तो ये रिमोट में ये रिमोट कॉपी भी हो जाएगा। ऐसा आपको कोई रिमोट नहीं मिल रहा है तो आप ये एप्लीकेशन से अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये वाला रिमोट परचेस करना, तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से परचेस भी कर सकते हैं। और इसमें आप एक साथ तीन रिमोट पेयर कर सकते हैं, ऐसी सिस्टम आपको मिल जाएगी। इसका वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए और दोस्तों, ये एप्लीकेशन आप ज़रूर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे दोस्तों, मेन बात ये है कि यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन चलानी, तो इसके लिए आपके पास रेडमी का मोबाइल होना चाहिए, IR सेंसर वाला, तभी वर्क करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो आपके आसपास किसी के पास
से कोई फ्रेंड के पास, तो आप वहाँ से लेके आप इसमें पेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों मुझे आशा कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पे नए मेहमान प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।